हेलो फ्रेंड्स, स्लिप सिटी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिग बॉस का शो हमेशा से ही कंट्रोवर्सी के लिए जाना जाता है। इस शो में जब तक विवाद ना हो तब तक मनोरंजन का तड़का नहीं लगता। अक्सर घर वाले किसी न किसी कारण से शो छोड़कर जाने की बात करते हैं। कई बार कंटेस्टेंट ने मेडिकल और प्रोफेशनल रीजंस के चलते घर से अलविदा भी कहा, लेकिन शो में एक नहीं बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है कि सदस्यों ने बिग बॉस के घर की दीवार लांघने की कोशिश की है। क्या आप जानते हैं ये ट्रेंड किसने शुरुआत की थी और इसके पीछे का कारण क्या था? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से कर लीजिए। नंबर एक, राहुल महाजन। क्या आप जानते हैं बिग बॉस के घर की दीवार को लांघकर बाहर जाने का आइडिया कहां से आया? शायद नहीं। तो आपको बता दें कि सीजन 2 में पहली बार राहुल महाजन और उनकी गैंग में राजा चौधरी, जुल्फी और आशुतोष शामिल थे। इन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था। जब वे ऐसा कर रहे थे तब उन्हें पकड़ लिया गया और घर से बाहर जाने को कहा। ऐसे में राजा, आशुतोष और जुल्फी ने अपने इस बिहेवियर के लिए माफी मांगी, लेकिन राहुल महाजन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने घर से बाहर जाने का फैसला लिया। नंबर दो, कुशाल टंडन। बिग बॉस के सीजन 7 के पॉपुलर कंटेस्टेंट कुशाल टंडन भी इस लिस्ट का हिस्सा है। सीजन में कुशाल की एक्ट्रेस तनिषा मुखर्जी से लड़ाई हो गई थी और इस दौरान तनिषा ने कुशाल को धक्का मार दिया था। कुशाल चाहते थे कि तनिषा उनसे माफी मांगे, लेकिन इस पर बिग बॉस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और इसके बाद कुशाल ने बिग बॉस के घर से जाने का फैसला किया। प्लीज जवाब दो कुशाल, लिविंग एरिया में एकत्र हो जाए। गेट आउट कुशाल, गेट आउट कुशाल, राजा लिविंग एरिया, कुशाल कुशाल कुशाल, आजा कुशाल, बुलाया आजा, लिसन टू मी कुशाल, बुलाया आजा जी। कुशाल से पूछ लीजिए कि अगर उन्हें वापस आने के लिए सीढ़ी चाहिए है तो वो भिजवाई जा सकती है। नंबर तीन, बिग बॉस के सीजन 8 में भी एक सदस्य ने रूफ टॉप के जरिए घर से बाहर जाने की कोशिश की। इस कंटेस्टेंट का नाम अली कुली मिर्जा है। अली और पुनीत के बीच काफी बहस हो गई थी। ऐसे में पुनीत ने बताया कि अली ने सोनाली और उपेन के बारे में कुछ बेहद ही आपत्तिजनक बात कही है। यह जानने के बाद सोनाली को गुस्सा आ गया और उन्होंने अली को थप्पड़ मार दिया। गुस्से में अली ने अपना सूटकेस लिया और घर की दीवार को लांघने की कोशिश करते हुए कहा कि उन्हें सोनाली ने थप्पड़ मारा है और वह ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पर बिग बॉस ने सोनाली को हमेशा के लिए नॉमिनेट कर दिया था। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जिंदगी में इज्जत कमाई है। फिर रुक, तू क्या कर रहा है अली, क्या कर क्या रहा है तू अली, क्या कर रहा है अली, लगेगा जाएगा, चला जाऊंगा, किधर जाएगा अली, क्या कर रहा है? अली तरीके से आप मत चढ़िए। बिग बॉस मैं घर से जा रहा हूँ, मेरी यहाँ पर जो बेइज्जती हो रही है। नीचे उतर आइए, नीचे उतर, मुझे बात करनी है आपसे। नंबर चार, शिवाशीष मिश्रा। शिवाशीष मिश्रा बिग बॉस सीजन 12 का हिस्सा रह चुके हैं। शिवाशीष ने घर में जमकर लड़ाइयां की हैं। उन्होंने भी घर से बाहर जाने की कोशिश की थी। हुआ कुछ यूं था कि किसी बात पर जैस्लिन और उनकी बहस हो गई थी। इसके बाद शिवाशीष ने घर की दीवार से कूदकर बाहर जाने का फैसला लिया, लेकिन वह ऐसा करने में नाकामयाब रहे। मैं छठी बार में सीधे बाहर आऊंगा, आप देख लेना। साइकेटिस मिलवा दीजिए एक, साइकेटर से मिलवा दीजिए दो, ये अंदर बुला लीजिए, साइकेटर से मिला लीजिए तीन, साइकेटर से मिला लीजिए चार, साइकेटर से मिला लीजिए पाँच। बाय, सी यू। नंबर पाँच, विकास गुप्ता। पिछले सीजन 11 के विकास गुप्ता की बात करें तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे के बीच खूब झगड़े होते थे। इतनी गंदी में सामने में देखने में चाय में गिरा दिया,
ये देखिए मैं बताऊं, ये जो गंदगी कर रही है ना, मैं कैंची रखने के हाथ से अदरक, कितनी गंदी है ये। You listen to me very well. I will not care about this. You would have gotten hurt very badly. No, no, wait. You would have gotten, I would have gotten hurt. ये पागल औरत साथ में छोड़ी हुई है, तो सोए हैं दीदी। शिल्पा की बातों से परेशान होकर विकास बिग बॉस का घर छोड़ने का फैसला करते थे, जिसके बाद बिग बॉस की ओर से उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी भी मिलती थी। नंबर 6, कविता कौशिक। कविता कौशिक ने बिग बॉस में आते ही रुबीना दिलैक से पंगा ले लिया था। कविता कौशिक और रुबीना की लड़ाई ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। क्या बता दो? राइट राइट करो करो और घर से बाहर चलो, बताऊंगी तुमको मैं। क्या घर से बाहर बोल रही हूँ, बोलो, हिम्मत है तो बोलो। क्या घर से बाहर बोलो, सुनाओ। सुनना है, सुनाओ। टॉक टू मी हियर, आई एम, डोंट पुश मी, सो डोंट कम टू, डोंट पुश मी, डोंट कम टू, डोंट यू पुश मी। Don't All right, do not try and independent. Listen, independent. Don't try to intimidate me. I am telling you, and don't touch me because you are just a ruthless, scandalous woman with no etiquette. अरे घर के बाहर क्या बोलना वो बताना। इधर बता। अबे तू चुप रह। साइड के चिंता है ना? ये जो गुंडागर्दी करती हो, वहाँ जाकर करना, मेरे सामने मत करना। और हिम्मत लाफा मारूंगी, निकल यहां से। यू शट अप। क्या जिसके बाद कविता कौशिक ने शो छोड़ने का मन बना लिया। जैसे ही मेकर्स ने बिग बॉस के घर का दरवाजा खोला, वैसे ही कविता घर से बाहर चली गई। अब आकर बोल, घर के बाहर क्या बोलेगी, बोल वहाँ से। डर के मारे ये देखो ये हाल है, भीगी बिल्ली, हिम्मत है नहीं है ना, तब बोला पीठ के पीछे, अब मुख्य द्वार से ही बाहर चली गई। तो दोस्तों, ये थे कुछ मजेदार किस्से घर से बाहर जाने के। अगर हमसे कोई कंटेस्टेंट मिस हो गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।